हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स। इससे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लांट के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स हमने डिस्कस किया था वैस्कुलर सिस्टम के नाम से। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको हम वैस्कुलर सिस्टम के नाम से डिस्कस करते हैं, और जो एनिमल के केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स ये जो टॉपिक होता है इसको हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से। तो हम यहाँ पर पहले राइट कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं तो उसमें थ्री टॉपिक्स जो है हमें कवर करने रहते हैं। एक तो होता है ब्लड, और दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है हार्ट। ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों टॉपिक हमें डिस्कस करने होते हैं तब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। तो हार्ट ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। ब्लड ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमें डिस्कस करना है ब्लड वेसल्स। जब ब्लड हमने डिस्कस किया था, ब्लड सेल्स डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ब्लड सेल्स थ्री टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ब्लड वेसल्स डिस्कस करेंगे। तो ब्लड वेसल्स जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको इसमें भी हम इसको थ्री टाइप में ब्लड वेसल्स होंगे। एक तो ये होगा आर्टरीज, और दूसरा हो जाएगा कैपिलरीज, और तीसरा हो जाएगा वेन्स। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। ब्लड पहले से डिस्कस कर चुके हैं, फ्लूइड होता है, ये फ्लो करता है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड कहाँ से बहता, कहाँ पे बहता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स हमें डिस्कस करना है। एक तो ब्लड वेसल्स हमने ये थ्री टाइप के बताए, एक तो आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होते हैं? आर्टरीज ये ब्लड वेसल्स होते हैं, और इन ब्लड वेसल्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है। इन ब्लड वेसल्स की जो ये वॉल है ये थिक होती है, और इसके अंदर ब्लड हमारे हार्ट से जो ब्लड पंप होके लंग्स में जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके आता है हमारे हार्ट में। लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे हार्ट से बाहर निकलता है किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के बाहर किसके थ्रू निकलेगा? आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज हमने भी यहाँ पर बताया कि ये थिक वॉल होती है, इसकी वॉल मोटी होती है। ये तो ये इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट से निकला हुआ ब्लड जो पूरी बॉडी में जाना होता है वो आर्टरीज के थ्रू निकलता है। अब ये आर्टरीज जो होती हैं ये आगे चल के फिर ये ब्रांचेस में ऐसे बाहर निकल जाती हैं, जैसे यहाँ पर है, इसको हमने अलग ब्रांचेस में निकाल दिया। ये यहाँ पर इस साइड में निकालें तो आपको देखना फिर आसान हो जाएगा, इस साइड में निकाला। अब ये आर्टरीज आगे चल के और भी ब्रांचेज में बदल जाती हैं, यहाँ पर ये ब्रांचेस, फिर यहाँ और भी ब्रांचेस निकली, यहाँ इन ब्रांचेस में भी ब्रांचेस निकली, यहाँ और भी ब्रांचेस निकले, ये बहुत सारे इसमें से ब्रांचेस पतले पतले निकलते हैं। और ये ब्रांचेस जो पतले वाले होते हैं ये फिर हमारे सेल्स में जाते हैं, और सेल के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है या फूड मटीरियल मतलब ग्लूकोज होता है इनको पहुँचाते हैं, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटीरियल हमारे सेल्स से लेते हैं। तो ये वाला, ये जो पतली आगे चल के ब्रांचेस निकली ये हमारे सेल्स तक जाती हैं, और वहाँ से ये ऑक्सीजन का या जो फूड मटेरियल है उनका और जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल उनका एक्सचेंज करती हैं। तो ये तो हो गया वेन, और ये क्या हो गया? ये हो गया कैपिलरीज। ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर आकर बहुत ब्रांचेस और ये बहुत पतली हो जाती हैं, इसके कंपेरिजन में ये काफ़ी पतली हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, इसकी वॉल थिक होती है, और इसके कंपेरिजन में वैसे भी थिक होता है और इसमें ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन ये आगे चल के ब्रांचेज में बहुत पतली पतली हो जाती हैं। तो ये हो जाती है कैपिलरीज। ये तो हो गया आर्टरीज और ये हो गया कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज आगे चल के फिर एक अलग से इस ट्यूब से जुड़ती हैं, और ये ट्यूब हो जाता है वेन।
ये ट्यूब क्या हो जाता है, वेन, इसको वेन कहते हैं। इस वेन से अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर गया, इसमें से आया आर्टरीज में से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कैपिलरीज से पहुँचा कहाँ तक, सेल्स तक के पहुँचा, हमारे हर एक सेल तक पहुँचा। उस सेल से इसने वहाँ पर ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इससे ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से ले के फिर इस वाले ब्लड में मिल गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, या आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये वेन्स हो गया। ये कहाँ पर आ गया, वेन्स में आया। इस वेन्स से फिर ब्लड हमारे हार्ट में गया, इस वेन से फिर ब्लड हमारे हार्ट में गया, और हार्ट ने उस ब्लड को भेजा लंग्स में। लंग्स में जब वो गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह से हम रेस्पिरेशन में सांस लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन फिर हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड में मिल जाता है, और फिर वो ब्लड जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है वो फिर हार्ट में आता है, और हार्ट फिर इन्हीं आर्टरीज के थ्रू उसके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। फिर वहाँ से ये सारा कुछ सप्लाई होके जाता है, वो ऑक्सीजन पूरे ब्लड पूरे बॉडी में, फिर यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फिर इसी वेन में ला करके वेन वाले ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ जाता है। फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, फिर ये हमारे हार्ट के थ्रू फिर लंग्स में जाता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये अब आर्टरीज देख लीजिए, आर्टरीज ये थिक वॉल होती है, इसकी जो वॉल होती है ये थिक होती है, जबकि ये वेन्स, वेन की वॉल क्या होती है, थिन होती है, इसकी वॉल ये पतली होती है। ये देख लीजिए, आर्टरीज की वॉल थिक होती है, वेन्स की वॉल थिन होती है, वेन्स की वॉल पतली होती है, आर्टरीज की वॉल मोटी होती है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी प्रेशर से होता है, हमारा हार्ट जो पंप करता है तो उससे जब ये ब्लड निकलता है तो ये काफ़ी प्रेशर से इसमें से निकलता है, और इसमें उतना प्रेशर नहीं रहता आर्टरीज के कंपेरिजन में, ब्लड का फ्लो जो होता है इसमें काफ़ी प्रेशर से रहेगा आर्टरीज में, वेन में उतना प्रेशर से नहीं रहेगा। आर्टरीज का जो कलर होता है, आर्टरीज का जो कलर होता है वो रेडिश होता है, रेड कलर जैसा होता है, और जो वेन्स का कलर होता है वो ब्लूइश होता है, ब्लू कलर जैसा होता है। और आर्टरीज हमारी बॉडी में अंदर की तरफ पाई जाती हैं, ये ऊपर की तरफ नहीं पाई जाती, क्योंकि वेन्स तो ऊपर से आप देख सकते हैं, वेन्स ऊपर रहता है, आर्टरीज क्या होते हैं वो अंदर रहते हैं। आप यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अगर आप अपनी फिंगर्स रखेंगे तो आर्टरीज का से जो ब्लड निकल जो ब्लड फ्लो में जाता है, और जब हमारा हार्ट पंप करता है तो जो पल्स बनाता है, तो आप यहाँ से पल्स समझ सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं। तो ये आर्टरीज में फील होता है, आर्टरीज अंदर की तरफ होती हैं, वेन्स बाहर से दिखा करते हैं, ये बाहर से आइडिया हो जाएगा आपको वेन्स का। तो ये वेन्स है और ये आर्टरीज है, आर्टरीज में ब्लड जो होता है वो हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, मतलब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, जबकि वेन्स में जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाता है वेन्स के थ्रू। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इसमें वो ब्लड जो हार्ट से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड वो पूरी बॉडी में जाएगा, इसमें पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स ले करके हार्ट तक के पहुंचाएगा, हार्ट के थ्रू लंग्स तक के पहुंचाएगा। तो ये डिफरेंस हो गए आर्टरीज और वेन्स में। और एक डिफरेंस और है, वेन्स में ये वॉल्व्स भी पाए जाते हैं, इसके अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं, इस तरह के ये वॉल्व्स लगे होते हैं, ऐसे वॉल्व्स लगे होते हैं वेन्स में जगह जगह पर। ये हम आगे और भी ड्रॉ कर दें, तो ये वॉल्व्स होते हैं, ये इन वॉल्व्स का ये काम होता है कि ब्लड का फ्लो जिस तरफ होता है बस उसी तरफ उसके अगेंस्ट नहीं आ सकता ब्लड, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये अगर नीचे आना होगा तो ये वॉल्व जो है इसका रोक देगा, और नीचे ब्लड इस तरह से मतलब अगेंस्ट डायरेक्शन में उसके उल्टे डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा, ब्लड का फ्लो सिर्फ इस डायरेक्शन में रहेगा, और अगर उसके उल्टा ब्लड बहना चाहे तो ये वॉल्व रोक देंगे, जबकि इसके अंदर वॉल्व नहीं होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं और वेन में वॉल्व्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, और ब्लड और हार्ट
या जो भी ब्लड सेल्स हैं, इन सभी के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उनको देख लीजिएगा। एक बात हमें यहाँ पर और याद आ गई कि जो आर्टरीज होती हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो आर्टरी ऐसी होती है कि जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और पल्मोनरी वेन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इसके बारे में आप जब हार्ट का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी सारी जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के बारे में जनरली आप यही समझिए कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और जो वेन्स है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के केस में ये उल्टा हो जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरीज के केस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में बहता है और पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आप हार्ट वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें बात क्लियर हो जाएगी। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।